अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर, खुसूसन हैदराबाद में देखे एक मुसलमान मुसलमान को मार रहा, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार को मार रहा। हैदराबाद में देखिए आप कैसा कतला हो रहे। हैदराबाद को लोग आने डर रहे, इतना डर बैठा हुआ है, पूछो मत लोगों के ऊपर। सिर्फ हैदराबाद में एक ही नाम हो गया, वो कतल। कितने खतरनाक हो रहे देखिए मेरे भाई, आप लोगों को सिर्फ हैदराबाद का पूरा नाम बर्बाद हो गया। हैदराबाद का नाम चेंज कर देना बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोलो, खतन का कतल का गारत बन चुका है हैदराबाद। आप देखिए आप इतनी इतनी बातें पर कतल हो गया। एक शादी खाने में मामूली चिकन वेटर नहीं लाया तो उसके ऊपर कतल हो गया। एक दही की चटनी लाया नहीं लाया तो उसके ऊपर कतल हो गया। एक पड़ोसी गाड़ी हटाओ बोला तो उसके ऊपर कतल हो गया। और ज़मीनों के मामले में कतल हो गया, रिश्तेदारों के मसले में कतल हो गया। आप देख सकते नियाबी के झगड़ों में कतल हो गए, पैसों के ऐसे कतल हो गए। मेरे भाई याद रखो, कतल तो यहाँ कर रहे आपको, अशर में आपका गला पकड़े जाएंगे वहाँ पर। याद रखो, जिसका कतल करेंगे उन्हें वहाँ पर इंतज़ार करेंगे आपको, वहाँ अशर में आपका गला पकड़े जाएंगे। ये इच्छे देखिए कब्रिस्तान में ठहरा हो यहाँ पर, ये कब्रिस्तान में आपको, याद रखो, यहाँ पर भी दफना देंगे आपको। पूरे लोग आएंगे आपको खांदा देंगे, उसके बाद यहीं दफनाएंगे आपको। दफना के बाद आपको दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे। याद रखो, आप लोगों का जो कतल कर रहे ना, याद रखो, अगर आप कतल करेंगे तो आपको भी मारने वाला कोई दूसरा पैदा होगा। अब ये ना को समझो मैं गले में चैन पहनूंगा, हाथ में चैन पहनूंगा, चार लोगों के साथ फिरूंगा मैं, हीरोगिरी करूंगा, कार लेके फिरूंगा मैं, एसियों में सोऊंगा, बड़े बड़े महलों में सोऊंगा, बड़े बड़े ज़मीनों पे मैं बैठूंगा, मैं एक से खाना ना खाऊंगा। तो याद रखो मेरे भाई, आप 9 महीने अम्मा के पेट में आप लंगे आए, आपको लंगे ही जाना है कब्रिस्तान में, आप खबर में आपको लंगे जाना है। 40 कदम के बाद आपकी दुआ पड़े बाद आपको फरिश्ते ऊपर ले जाएंगे। आप अल्लाह ताला वहाँ से पूछेंगे, वहाँ के फरिश्ते आप आके गरीब लोगों के ऊपर क्या करें, पहले आपकी नमाज़ पूछे जाएंगी, दूसरी कुरान शरीफ पूछे जाएंगी। और गरीब लोगों के ऊपर क्या करें आप लोग, सुनिए, आप दोस्त का दुश्मन बन चुका है। कोई दोस्त के ऊपर भरोसा ना करो मेरे भाई, आप लोग सिर्फ आप लोग दोस्तों के ऊपर भरोसा कर रहे। आने वाले दिनों में सिर्फ खाली मुसलमान मुसलमान का नाम बदनाम हो रहा, आप देख सकते। सुनिए भाई, आज से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये खबर पे आपको लेटना पड़ेगा। इसके बाद कोई नहीं पूछेंगे, कोई खानदान नहीं पूछेगा, कोई पड़ोसी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको लिख जाके दफना देंगे, कुछ ना होगा, ना खाना आएगा ना पीना आएगा, सिर्फ ऐसा खबर में आपको ऐसा लिटा जाएंगे आपको। सिर्फ खबर में आप जाए बात, उसके बाद आपको पूरे फरिश्ते पूछेंगे। आज मुसलमानों के ऊपर पूरे लोग थूप रहे, एक मुसलमान का कतल कर रहा है। तो आप लोग मेरे भाई नमाज के पाबंद हो जाओ, कुरान शरीफ के पाबंद हो जाओ। जो गरीब परेशान है उन लोग के आप दुआ में रहो, किसी की ज़मीन का कब्जा रखो करो, किसी का नाजायज किसी का हक रखो मारो। सुने भाई, अगर किसी का हक मारी गए तो आपका पैसा पूरा बीमारियों में जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, बीमारियों में जाएगा, इंजेक्शनों में असर न होगा, दुआ में असर न होगा, ना घर काम आने वाला है, ना दौलत आने वाली है, ना गाड़ी आने वाली है, कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ अशर में आपको पूछा जाएगा, आपको अंगार के डेलों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उस दिन एक एक सवाल पूछेंगे अल्लाह ताला, वहाँ पर तू जाके क्या करा था। तो मैं मैसेज देना मेरे चारों मेरे भाइयों को, दिल में अपना खुलासी हटा दो, किसी से गलती भी हो गई तो माफ़ी मांग लो, कोई छोटा बड़ा ना होता माफ़ी मांगने से। आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान शरीफ के पाबंद बन जाओ। कोई भी अगर आपसे कोई दुश्मनी है तो आपस में बैठ के ख़त्म कर लो, कत्ल मत करो मेरे भाई। मुसलमानों का नाम बदनाम होगा, गैर मजहब के लोग थूप रहे अपने मुसलमानों के ऊपर, कितनी गलत बात है बोलो। हमारे उन्माए करम कहाँ बैठे हुए हैं, गच्चों बैठे हुए हैं, बोलिए आप। हर मस्जिद में ऐलान करो ना साहब, क्यों नहीं कर रहे ऐलान? अगर आप ऐलान करें तो क्या आपको पुलिस वाले उठा के लेके चले आते? कोई उठा के नहीं लेगा, सिर्फ अल्लाह से डरो तुम लोग। आने वाले दिनों में कयामत आने वाली है, याद रखो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।